हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की ट्रेड की अगर बात करें तो आज मैंने एक ट्रेड प्लान की थी। ठीक है, 5 मिनट चार्ट पे अपन कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने एक एंट्री प्लान की थी। सबसे पहले क्या है, मार्केट यहाँ पे यहाँ से ओपन हुआ इस कैंडल से। ठीक है, ये मेरा मोमेंटम छूट गया था। तो देन उसके बाद मैंने क्या है, यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है कि यहाँ से। ठीक है, ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, 1 मिनट पे भी है ये और 5 मिनट पे भी है, रिफाइंड इतना ही हो रहा है। उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया कि सबसे पहले मैंने वेट किया कि आई होप मार्केट यहीं से चले जाए, बट मार्केट यहाँ से नहीं गया, ना ही ऊपर मोमेंटम दिया ना ही नीचे, थोड़ा सा साइड वेज चला इतना सा, देन मार्केट का मोमेंटम डाउन आया। ठीक है, डाउन आने के बाद भी यहाँ पे कोई इंटरनल या 1 मिनट पे कोई एंट्री मुझे मिली नहीं वैसे तो, बट मैंने एक एंट्री मिली यहाँ पे मुझे, वो ये मिली थी सबसे पहले। ठीक है, कि इंटरनल के अंदर मिली थी मुझे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने स्विच किया, तो यहाँ पे क्या हो गया अपना डायरेक्ट बॉस। बॉस होने के बाद मार्केट नीचे आया, इस लो को ब्रेक नहीं किया, डायरेक्टली मार्केट क्या गया अप गया। तो यहाँ पर अपना यहाँ पर हो गया था इल्यूजमेंट, आईडीएम सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका आईडीएम हो चुका था। आईडीएम क्या होता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे अपन यूज करते, बड़ा टाइम फ्रेम होता तो इसको डायरेक्ट में चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बोल देता, यानी कि चोज। चोज होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया, लिक्विडिटी वगैरह ली, देन मार्केट अप गया। तो एक यहाँ तक की एंट्री फाइंड आउट मिली, बट ये एंट्री मेरी मिस हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि मैंने जो प्लान किया था इस एंट्री का यहाँ तक किया था, यहाँ तक। ठीक है, बट मार्केट नहीं गया, अगेन यहाँ पे आया, यहाँ पे एंट्री प्रॉपर मिली। ठीक है, अच्छी खासी एंट्री मिली। यहाँ से मार्केट ने क्या किया बॉस, यानी कि यहाँ पे आके मार्केट ने बॉस दिया, देन डायरेक्ट यहाँ पर अपन ने चोज कर लिया, क्योंकि 1 मिनट पे भी यही है और अगर आप 5 मिनट पे भी देखोगे तो लास्ट मोमेंट ही यही है इस साइड में, इससे पहले कोई मोमेंट ही नहीं है यहाँ पे जहाँ पे अपन कुछ और चीज देख सके। तो यहाँ पे डायरेक्ट चोज किया। अब यहाँ से मार्केट में रिवर्स का वेट कर रहा था, तो यहाँ पे क्या है कि मैंने एंट्री जो ली है, पहला मेरा प्लान यहाँ से था। ठीक है, इस एंट्री का कुछ इस तरीके से एंट्री का प्लान था मेरा। यहाँ ये फेयर वैल्यू गैप हो गया एंड पूरी कैंडल का हो गया यहाँ। यहाँ मेरा एसएल था, ये मैंने एसएल का यहाँ पॉइंट रखा हुआ है, बट यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उससे पहले मार्केट ने क्या किया, ये एक यहाँ पे जो कैंडल है उसकी विग आई, देन मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी, तो मार्केट फिर अब जाके आया, देन यहाँ तक आया, तो यहाँ तक डाउन मोमेंट रहा। देन नेक्स्ट जब ये कैंडल आई तो मैं यहाँ पे अगेन 1 मिनट पे स्विच हो गया था। ठीक है, 1 मिनट पे क्या सीनियर है देखते हैं। तो 1 मिनट पे आने के बाद ये कैंडल मुझे मिली। तो इस कैंडल का एक फॉर्मेट होता है, हालांकि सभी कैंडल्स का अलग अलग होता है। आप देखेंगे क्या होता है कि जब भी मार्केट आपका अप ट्रेंड जाने के लिए स्टार्ट हो, तो उस टाइम पे आप देखना डाउन से ये जो कैंडल है इसकी विग जो है इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज कर दी, यानी कि विग नीचे आ गई, तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, इसने ले ली लिक्विडिटी। और इस कैंडल के लास्ट जो कैंडल होती है इधर वाली जिसकी लिक्विडिटी थी, इसको मार्केट क्लोज करना थी, तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल देके मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। हालांकि यहाँ पे दी ये एक और कैंडल थी, ग्रीन कैंडल थी, अगर आप 5 मिनट पे जाओगे, ये यहाँ पे 2 मिनट देखते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट टाइम फ्रेम रे राइट, तो 2 मिनट टाइम फ्रेम पे आराम से आपको यहाँ पे कैंडल क्लोज मिल रही है। 3 मिनट पे देखते हैं, 3 मिनट पे क्या सिनेरियो है इसका। यस, 3 मिनट पे आपको प्रॉपर कैंडल क्लोज मिली। तो ये कैंडल क्लोज देख के ही मैंने यहाँ से एक एंट्री प्लान की थी। ठीक है, करंटली मेरी एंट्री चल रही है और अभी तक यहाँ तक आ गई, तो मैंने यहाँ तक क्लोज नहीं किया, मेरा एंट्री का प्लान यहाँ तक है। क्योंकि इसको अगर अपन पीछे 5 मिनट में करके देखें, तो ये देखो यहाँ तक मार्केट आया, तो ये अपना मेन स्ट्रक्चर था, जोन था। ठीक है, देन ये कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर और है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के बीच। जब आप मार्केट को छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप काफी अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे एंड बेहतरीन तरीके से एक एंट्री प्लान कर पाएंगे। ठीक है, इस एंट्री का मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट्स भी डाल दूंगा, ताकि आप देख सके कि इस एंट्री में क्या रहा था, मैंने कैसे ली थी एंड मैं अलग अलग लॉट साइज की एंट्री ली थी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपको एक बार ये और दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपन 1 मिनट पे स्विच होते हैं, 1 मिनट पे क्या है। ठीक है, ये जोन रिफाइंड करने का बहुत आसान तरीका है। आप ऐसा नहीं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम खोल के लैपटॉप में बैठे हो अपने में, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, देखिए ये फेयर वैल्यू गैप सिर्फ यहाँ पे, तो मेजरली एक तो ये वाला जो जोन है
अपना सबसे अच्छा ये काम करेगा। दूसरा क्या हुआ कि यहां से यहां के बीच में, तो यहां तो मार्केट ने ऑलरेडी टैप कर दिया है, ठीक है, मार्केट डाउन गए देन अप आ रहा है, तो मेरा जो प्लान है वो यहां तक के बीच का है, ठीक है, यहां तक का है, ठीक है। यहां तक अगर मार्केट आता है तो इस लिक्विडिटी को ले सकता है, कहीं भी कुछ भी लेके मार्केट डाउन भी जा सकता है देन अप भी जाता है। वो यहीं पे अपने को सिनेरियो देखना पड़ेगा कि मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है, जिसको अपन यहाँ से एंट्री प्लान करें, एग्जिट प्लान करें, क्या होगा। तो करंटली मेरा एंट्री अभी चल रहा है, ठीक है, और एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एंट्री अभी भी यहाँ से रनिंग है अपसाइड में, और ये यहाँ तक मेरा एंट्री बना हुआ है जैसा मैंने आपको बताया था बीच वाला, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा एंट्री प्लान है, अगर ये अपर जाता है तो मार्केट का मेरा जो एंट्री रहेगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में रहेगा, ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट एंट्री सिनेरियो है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट का क्या मोमेंटम रहता है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वगैरह, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे को, व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएंगे, देन आप सीखना चाहें सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।